वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फेस। फेस क्या होता है, फेस डिफरेंस कैसे होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, लीडिंग फेस क्या होता है, फिर लैगिंग फेस क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो की एक छोटी सी चीज हमारी छूट गई थी जिसका नाम होता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म के साथ में और एक फैक्टर आया था जिसका नाम होता है पीक फैक्टर। कैसे निकालते हैं, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ओके, फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एवरेज, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। मतलब आरएमएस वैल्यू को मैं एवरेज वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो फॉर्म फैक्टर निकल जाएगा। अच्छा, आरएमएस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, या आईएम बाय रूट टू। एंड एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट द 0.637 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो एम से एम कटता है, 0.0707 बाय 0.637 बनता है, वही रेशियो की वैल्यू 1.1 बनाती है, ठीक है ना। प्लीज आप इसे ध्यान में रखिएगा बिकॉज एग्जाम में ये आता है, डायरेक्टली नहीं आता है, एक क्वेश्चन के साथ में अटैच होकर दूसरे पार्ट में आता है, ठीक है ना। सो फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। वैसे फॉर्म फैक्टर की तरह और एक फैक्टर होता है जिसका नाम क्या है? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर किसका रेशियो होता है? पीक फैक्टर होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का, ठीक है। तो ये मेरे लैपटॉप का शायद एक्स काम नहीं कर रहा था तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया है। तो ये एम ए एक्स आएगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू में कैसा रिलेशन होता है? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस। आरएमएस वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली आईएम है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू आईएम है, इकट्ठे का क्या बचेगा 1.707 व्हिच इज 1.41, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, लिख लेना, एग्जाम में आता है, आराम से लिख के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो इंपॉर्टेंट था, पिछले वीडियो का रह गया था, यहाँ डिस्कस कर लिया। अब एक्चुअल में इस वीडियो में जो डिस्कस करना है उसकी तरफ चलते हैं, विच इज एक्चुअली द डिस्कशन ऑफ फेस, ठीक है। चलो, तो फेस क्या होता है और फेस किस तरीके से एड करता है, लीडिंग फेस लैगिंग फेस क्या होते हैं देख लेते हैं। ओके, सो आसान शब्दों में मैं आपको इसी फिगर में बना के समझाता हूँ कि फेस कैसे काम करता है, ठीक है। देख, अब यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का एक साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब इसी ग्राफ के नीचे मैं अगर और एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये ग्राफ बन गया यहाँ पे और एक। तो ध्यान से देखो कि जिस टाइम पे इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है नीचे वाले की, उसी टाइम पे ऊपर वाले की भी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। जिस टाइम पे इस ग्राफ की वैल्यू जीरो बन रही है, उस टाइम पे इस ग्राफ की वैल्यू भी जीरो बन रही है। जिस टाइम पे इसकी वैल्यू मिनिमम जा रही है, उसी टाइम पे नीचे वाले की भी वैल्यू मिनिमम जा रही है, ठीक है। मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के फेज में है, मतलब दीज आर इन द सेम फेज, ठीक है। तो अगर सेम टाइम पे सेम टाइप ऑफ वैल्यू ऑकर होती है तो हम बोलते हैं कि दोनों सेम फेज में। वेरस, अब अगर मैं अलग ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं जो दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। वो ग्राफ ऐसे गया, मैक्सिमम वैल्यू सॉरी ऐसे गया, ठीक है, ये आ रहा है और आते 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 ये यहां से ऐसा चला गया। ओके, तो अब देखो इस वाले ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस टाइम इंटरवल पे आ रही है, वेरस इस वाले ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग टाइम इंटरवल पे आ रही है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ्स की मैक्सिमम वैल्यू दोनों अलग अलग टाइम पे आ रही है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों टू डिफरेंट फेजेस में है, ठीक है। तो ये जो नया ग्राफ मैंने बनाया ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पहले वाले से थोड़ा आगे के टाइम पे आ रही है ना। मतलब हो क्या रहा है कि जो मेरा ब्लैक वाला ग्राफ है वो पहले ही मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जा रहा है, मतलब इस टाइम पे, और ये जो ब्राउन वाला ग्राफ है थोड़ा आगे जाके, मतलब थोड़ा ज्यादा वाले टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है देखने में तो आगे की तरफ बना हुआ है, बट हम बोल सकते हैं ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्यों, कैसे पता चला हमें लैग कर रहा है? क्योंकि ब्लैक वाला पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है और ब्राउन वाले को मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो ये बाद में अटेन कर रहा है वैल्यू, इसका मतलब ये थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ब्राउन वाले की जगह पे एक दूसरे कलर का ग्राफ बनाता हूँ, ग्रीन कलर का, ठीक है, वो थोड़ा पहले से बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे हम, अब हम बोलेंगे कि यह ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो लीड कर रहा है। कैसे? क्योंकि ब्लैक वाले की मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम पे बन रही है, वेरस ग्रीन वाले की मैक्सिमम वैल्यू पहले ही बन जा रही है, ठीक है। तो ग्रीन वाला लीड कर रहा है, तो जो थोड़ा पीछे से निकल रहा होता है अल्टीमेटली वो लीड कर रहा होता है, जो थोड़ा आगे से निकल रहा होता है वो अल्टीमेटली लैग कर रहा होता है, ठीक है। तो लीडिंग फेस और लैगिंग फेस का मीनिंग आपको समझ में आ चुका हो, ठीक है, नहीं आया है
थोड़ा सा 2-3 स्टेप पीछे जाओ, वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फेज क्या होता है एक्चुअल में? फेज बताता है कि भैया लीडिंग हो रहा है कि लैगिंग हो रहा है, मतलब कितना टाइम का डिफरेंस है दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज को अटेन होने में, या कितने टाइम का वैल्यू डिफरेंस है दोनों के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को अटेन होने में। ठीक है, लैंग्वेज लिखिए इंग्लिश के फॉर्म में, द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पीरियड टी दैट इलैप्सेस इन अचीविंग द सर्टेन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, मतलब कितना टाइम इलेप्स हो गया दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज को अटेन करने के बीच में, या कितना टाइम इलेप्स हो गया दोनों के मिनिमम, या दोनों की एनी वैल्यू को अटेन करने के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज फेज। श्योर, नाउ आगे देखो, जैसे हमने देखा था कि इन फेज और आउट ऑफ फेज हमने पढ़ा था। इन फेज का मतलब क्या होता है? वही है कि दोनों का सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा, सेम टाइम पे जीरो होगा, सेम टाइम पे मिनिमम होगा। आउट ऑफ फेज मतलब क्या? दोनों का अलग अलग टाइम पे, इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बाद में अटेन होगा। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन हो रहा है, मतलब ये लीड कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली अपना चल रहा है, ठीक है, ये पहले अटेन करके तो ये लीड कर रहा है। ऐसी अगर एक और आगे की तरफ बना दूंगा मैं इस तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे कि इस ब्राउन वाले का मैक्सिमम वैल्यू बाद में अटेन होगा, तो ब्राउन वाला लैग कर रहा है। ठीक है, चलो। सो इन फेस और आउट फेस में डेफिनेशन कोई खास ऐसे पढ़ने के नहीं है, सिंपल चीज है, टू अल्टरनेटिव क्वांटिटीज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी अटेन देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जीरो पॉजिटिव या मैक्सिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, एक साथ अटेंड करते तो इन फेस है, अलग अलग टाइम पे अटेंड करते तो आउट ऑफ फेस। डेफिनेशंस देख लीजिएगा, जरा डीप डाउन कुछ करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग फेस क्या होता है, लैगिंग फेस क्या होता है। इसमें भी पिछले 4 साल में 2 बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, है ना, और जहां तक मुझे याद है कि मैक्सिमम नंबर के आते हैं, 4-6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो लीडिंग फेस लैगिंग फेस मैंने अभी अभी आपको फॉर्मेट बना के सिखा दिया था। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप इसी तरीके से फॉर्मेट बना के दिखा सकते हैं कि लीडिंग फेस का मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन हो जाएगा, दिमाग में रखो, तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ बनेगा। लैगिंग फेज का मैक्सिमम वैल्यू बाद में अटेन होता है, मतलब वो ओरिजिनल ग्राफ से थोड़ा सा आगे की तरफ बनेगा। लैगिंग वाला फेज हमेशा थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, बाद में अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू, लीडिंग वाला फेज पहले ही बन जाएगा क्योंकि वो पहले अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जनरली जो जीरो से शुरू हो रहा होता है, वो जीरो से शुरू होने वाले को अगर मुझे इक्वेशन देनी है, तो ये वोल्टेज का बनाया मेरा ईएमएफ लिखा हुआ है, शायद दिख रहा होगा कि नहीं, ईएमएफ लिखा है, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इज ईएम साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। साइन ओमेगा टी मैंने क्यों लिखा इसको, क्योंकि ये जीरो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो अगर ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो ये क्या बनेगा, तो पहले से शुरू हो रहा है, ये बनेगा ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, क्या आएगा, प्लस वाई आएगा, माइनस वाई आएगा, प्लस आएगा, और क्या है, अल्फा है, मतलब ये दूरी को मैंने अल्फा मान दिया, ये अल्फा के बराबर की दूरी थी, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग वाले करंट में हमेशा एडिशन प्लस साइन आता है, लीडिंग वाला करंट थोड़ा पहले से शुरू हो जाता है। यहां देखो, जो नॉर्मल कर्व ओरिजिन से जा रहा था, है ना, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो जो थोड़ा आगे की तरफ लैग हो रहा है, बाद में आने वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, कितना का डिफरेंस है, अगेन अल्फा एंगल का डिफरेंस है यहाँ पे, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा देख के समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, लैगिंग हो रही है, थोड़ा आगे की तरफ जाके लीडिंग हो रही है, मतलब पहले से वो लीड करने लगेगा। ठीक है, तो प्लस साइन आता है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को देखोगे, वैसे ही इस क्वेश्चन का आपको डेरिवेशन तो नहीं है, आंसर लिखते समय आपको ये रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, है ना, ग्राफ बना के इसे लिख के बता दीजिएगा, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तब सो आउट ऑफ फेस में आपके लीडिंग करंट हो गया, लैगिंग करंट हो गया, इनके बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या है, हाँ, लीडिंग और लैगिंग का और एक एग्जांपल लिखा हुआ था, चाहो तो इस इमेज को देख सकते हो ध्यान से, है ना। ये इमेज को अगर एक्सप्लेन करके मैं बताऊं तो कैसे देख सकते हो कि ये जो मेरा बी है ना, ये बी बता रहा है ओरिजिनल करंट या ओरिजिनल वोल्टेज कहाँ जा रहा है, बी। बी मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मैं ओरिजिन से जाता हूँ। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब ए जो है वो पहले ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर जाएगा, बी बाद में करेगा और सी तो और लेट करेगा। तो ओरिजिनल जो मेरा बी ग्राफ था उसके पहले ए अटेन कर जाएगा, कितना पहले, बीटा एंगल पहले। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ओमेगा टी प्लस बीटा, लीडिंग वाला करंट है ए। ठीक है, तो ईएमएफ क्या बनेगा एट ए, ओमेगा टी प्लस बीटा। सी मेरा लैगिंग वाला है, बाद में अटेन करेगा, तो ओमेगा टी माइनस अल्फा, कितना का लगेगा, अल्फा का लगेगा इसका, तो एंगल के हिसाब से लैग बनता है इसका। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, है ना। यहाँ जो भी एंगल बनता है वही प्लस माइनस में आता है, यहाँ जो भी एंगल बनता है वही प्लस माइनस में आता है। तो अगर लीडिंग होगा तो प्लस में एंगल आएगा, बीटा बनाता तो बीटा, लैगिंग होगा तो माइनस में एंगल आएगा, अल्फा का लैग हो रहा था तो अल्फा। ठीक है, चलो, ये सब बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाला बना के दिखाया था, सिर्फ इसको बना के दिखा दोगे काम आपका हो जाएगा। ओके, तो फेज का डिस्कशन हमारा हो गया है, अब उसके बाद हम देखने वाले हैं इसको फेज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो फेज तो हमने देखा है, ऐसे फेज काम करता है,
इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? दो अलग अलग तरीके हैं, एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से हम अपने फेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल लॉजिक है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम अपने फेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है कि कन्वर्ट करके बताइए, रेक्टेंगुलर को पोलर में करिए, पोलर को रेक्टेंगुलर में करिए। आपको जान के खुशी हो रही होगी कि पिछले 4 साल में एक बार क्वेश्चन आया था 6 नंबर का आया, और 6 नंबर इतने हाथ के नंबर है ना लिटरली। देखो दिखाता हूँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरीके से बनाते हैं, ये एंगल का सिंबल है, एंगल याद है, ठीक है। सो आर एंगल फाइव, आर मेरा रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, एक तरीके से आप इसे मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, फाइव मेरा एंगल का रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। एग्जाम्पल 5 एंगल 42 डिग्री, 6 एंगल 56 डिग्री, इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसी चीज को और अलग तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, आर कॉस 5 + jr sin 5। सही शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इस पूरे को हम कैपिटल एक्स से बोल सकते हैं, एक्स प्लस जे रहेगा मेरा प्लस टाइम्स ऑफ वाई, तो एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ वाई, दिस इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। जैसे 5 + j × 10, 8 + j × 10, तो समथिंग प्लस j टाइम्स ऑफ समथिंग, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब अगर मुझे पोलर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में स्विच करना है, ठीक है, पहले तो समझ लो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, मैं आर और फाई की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक्स और वाई की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। पोलर में हम आर और फाई की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेक्टेंगुलर में हम एक्स और वाई की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, अगर मेरा पोलर में आर और फाई है तो आर कॉस फाई प्लस आर साइन फाई इंटू जे करने से रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे आर की वैल्यू पता है, जैसे यहाँ आर इज इक्वल टू 5 डिग्री और फाई इज इक्वल टू कितना 42, तो मैं इस पोलर का रेक्टेंगल बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, रेक्टेंगल में मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ वाई, एक्स कैसे निकलेगा, आर और फाई पता है ना, तो एक्स हो जाता है मेरा आर कॉस ऑफ फाई प्लस जे इंटू वाई, कैसे निकलेगा, वाई हो जाता है मेरा आर साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 5, फाई की वैल्यू कितनी थी 42 डिग्रीज, तो फाई कॉस ऑफ 42 डिग्रीज प्लस जे इंटू अगेन आर की वैल्यू कितनी है 5 और 5 एंड दिस इज गोना बी साइन ऑफ 42 डिग्रीज, ठीक है। तो 5 cos 42 डिग्रीज वैल्यू निकाल दोगे प्लस जे इंटू 5 sin 42 डिग्री वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इस पोलर का रिस्पेक्टिव कौन सा वाला फॉर्म, रेक्टेंगुलर वाला फॉर्म, ठीक है। सो पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है, आर गिवन है, फाई गिवन है, तो अगर मुझे x प्लस जे वाई में जाना है, रेक्टेंगल में जाना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, r cos फाई, y इज इक्वल टू हो जाएगा r sin फाई, लिख दोगे वैल्यू डालोगे बन गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो पोलर से हम कहाँ आ गए, रेक्टेंगुलर पे आ गए। रेक्टेंगुलर से अगर पोलर में जाना है, मतलब मान लो आपको गिवन है 5 + 10j या आपको गिवन है 8 + 20j, इससे आपको क्या बनाना है, ये बनाना है पोलर बनाना है, तो फिर तो और भी इजी है। कैसे इजी है, देखो ये फॉर्मेट क्या है, x प्लस जे टाइम्स ऑफ y का है ना, तो r अगर मुझे निकालना है तो r निकलता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या निकल जाता है, r निकल जाता है, ठीक है। एंड अगर आपको phi चाहिए तो phi तो है मेरा एंगल tan इनवर्स ऑफ y बाय x, खत्म, ओके। तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से अगले पेज में लिख के दिखाता हूँ, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि पोलर से रेक्टेंगल बनाना बहुत आसान है। कैसे, पोलर में मुझे r और phi दोनों पता था, तो उसका रेक्टेंगल कैसे बनेगा, x प्लस जे वाई है ना, r cos phi, r और phi का बनता है x प्लस जे वाई, एक्स क्या होता है r cos phi, y होता है r sin phi, वैल्यू डालोगे बन गया खत्म। अब देखो, अब हमने क्या सीखना है अगला वाला, कि कैसे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। जैसे 542 का कर लिया था, 656 का भी करके दिखाता हूँ। तो अगर मुझे बोला कि ये 656 को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या बोलूंगा, आर की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर, फाइव की वैल्यू कितनी है 56 के बराबर, ठीक है। रेक्टेंगल क्या बनता है मेरा, एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ वाई बनता है। एक्स कैसे बनता है, आर और फाइव पता है, तो आर कॉस ऑफ फाइव प्लस जे इंटू आर साइन ऑफ फाइव बन गया। आर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 6, फाई की वैल्यू कितनी मेरे पास में 56 डिग्रीज प्लस जे टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 6, फाई की वैल्यू कितनी है 56 डिग्रीज साइन 56 डिग्रीज। कैलकुलेटर उठाओगे, वैल्यूज पुट अप करोगे, एक्स की वैल्यू प्लस जे टाइम्स ऑफ वाई की वैल्यू लिख दो, दिस इज द रेक्टेंगुलर सिस्टम। सो पोलर टू रेक्टेंगुलर हमने सीख लिया, पोलर टू रेक्टेंगुलर हमने सीख लिया, अब हमें क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टू पोलर जाना है। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर कैसे जाएंगे, देखो रेक्टेंगुलर में हमें क्या क्या गिवन रहता है, एक्स गिवन रहता है और वाई गिवन रहता है।
तो एक्स और वाई की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, आर और फाई निकालना है। रेक्टेंगुलर में मुझे क्या बन रहता है, एक्स और वाई के बन रहता है, जैसे यहाँ पे 5 और 10 के बने, इससे मुझे आर और फाई निकालना है। आर निकलता है बहुत आसानी से, इट इज ऑलवेज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड माय फाई इज सिंपली गिवन बाय 10 इनवर्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो चलिए निकाल देते हैं आपके लिए, आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। कैलसी लेके जस्ट अ सेकेंड बताता हूँ कितना आंसर आएगा। अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज 11.18। सो आपका 11.18 आ गया, किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। फाइव का वैल्यू क्या होगा, 10 इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। सो दिस इज 10 इनवर्स ऑफ y, कितना है मेरा 10 के बराबर, x कितना है मेरा 5 के बराबर, दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 2, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू शिफ्ट 10 इनवर्स ऑफ 2, 63.43 degrees। सो 63.43 degrees का क्या रहा है एंगल। तो R मिल चुका, फाइव मिल चुका, तो आप कैसे लिखोगे इसको फॉर्मेट में, आपके ये बन जाएगा 11.18 और एंगल के साथ में फाइव लिखना है, तो फाइव कितना है 63.43 degrees, ठीक है। तो समझ में आया कितनी आसानी से आप रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के चले जाओ, देख के चले जाओ, बहुत आसान सी चीज है। किस्मत है तो अच्छी रही, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं आता, 3 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तुम तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेना, ऐसे कैसे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि आप इस टाइप की जो चीजें हैं उन्हें देख के जाया करिए, बिकॉज जरूरी है, अच्छा है, देख के जाओगे पहले से तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। जाने से पहले एक बहुत अच्छी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा एंड और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सारे साइन वेव के न्यूमेरिकल वहां कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस।